एके मिश्रा जी मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर के स्टूडियो में। तो सबसे पहले पॉलिटिकल रिएक्शन लें हम, हमारे राजनीतिक सलाहकार हैं एके मिश्रा जी स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो में। मिश्रा जी, ये जो पीके तिवारी जी वहां का आकलन बता रहे हैं फूलपुर का, गोरखपुर का, क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, आकलन से मैं लगभग सहमत हूं। मैं थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा बहुत ही लॉजिकल वे में मैं इसको बोलना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि बाई इलेक्शंस और जो मेन इलेक्शंस होते हैं 2014 या 2017 में, वो दोनों में बहुत फर्क है। बाई इलेक्शंस में लहर जैसी कोई चीज नहीं होती है। बाई इलेक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल अपने कैंडिडेट की हार्ड कोर जो वोट बैंक की अर्निंग होती है उस चीज पे होती है। यही रीजन था कि बीजेपी की कभी भी सीट फूलपुर नहीं रही, या कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की। मेन इलेक्शन में लहर चली तो लगभग 3 लाख वोटों के अंतर से केशव प्रसाद मौर्य जी जीत गए। अब आप गोरखपुर का जरा बात करिए। गोरखपुर में कांग्रेस के बाद महंत अवैधनाथ जी ने जो ये सीट अर्जित की, आप बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर बीजेपी छोड़ के फिर निर्दलीय खड़े हो तो वो फिर वहां पे जीत जाएंगे। उसका रीजन है गोरखपुर की सीट वो हार्ड कोर इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है योगी आदित्यनाथ जी का या उनके मठ का। ये सिचुएशन वही है कि लहर होने के बावजूद भी आपने देखा होगा 2014 में कि कहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी ही बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वोटों से जीत गए, बीजेपी कांग्रेस या अच्छी पार्टियों के कैंडिडेट हार गए। दूसरा क्वेश्चन, बाई इलेक्शन और मेन इलेक्शन में जो फर्क होता है, देखिए बीजेपी फूलपुर का जो इलेक्शन की सीट है, ये अपने आप में इलाहाबाद और अगल बगल का बहुत कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स होता है। आप ये देखिए कि 2014 में जो इनको मिले थे और अब की बार ये कैंडिडेट लाए हैं, कैंडिडेट चुनार से आए हुए हैं। ये बीजेपी भी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है, तभी पटेल कैंडिडेट को ले आए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं तो 100 किलोमीटर दूर से किसी एक अनजाने कैंडिडेट को ले आना ये एक बहुत मतलब एक क्वेश्चन मार्क है। तीसरी चीज आप ये देखिए, जातिगत समीकरण इलाहाबाद और फूलपुर के अगल बगल के क्षेत्रों में बहुत गजब तरीके से काम करेगा। पर्टिकुलरली ये लड़ाई अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के अपनी उसकी लड़ाई है। बीजेपी का मैंने ये देखा है, बहुत सारे बाई इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी उसमें हार गई थी। मेन पार्टी जो होता है वो बाई इलेक्शंस को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। अंतिम में ये बोला जा सकता है कि फूलपुर का इलेक्शन इनके लिए वाकई में बहुत चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, लेकिन गोरखपुर के लिए आज ही नहीं कल भी अगर कोई इलेक्शन होगा, क्योंकि वो उनकी हार्डकोर अर्न सीट है सर। उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 10-15-20-25 सालों से, 5-7 साल से, तो वहां के लिए तो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का क्या जवाब देंगे आप राजीव मिश्रा? ये फूलपुर जो आपके लिए एक कॉन्फ्लिक्टेड सीट हो रही है इस वक्त, क्या लगता है कि चुनौती गोरखपुर नहीं, चुनौती सिर्फ फूलपुर ही है? एके मिश्रा जी, ये जो प्रतिशत है इस पर क्या कहेंगे? 12% फूलपुर, 17% गोरखपुर। देखिए, ये प्रतिशत को अभी जो है मैं कोई बहुत ज्यादा इसके डायनामिक्स और इसके इम्पैक्ट को अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रतिशत का क्या रोल होता है मैं आपको बता देता हूँ। वोटिंग में ओवरऑल प्रतिशत अगर 70-75-80% चला जाए तब तो ये इंडिकेशन होता है कि ये लहर की खबर है और जो भी पार्टी या कैंडिडेट जीतेगा बहुत बड़े मार्जिन से वो जीतेगा। अगर वोटिंग प्रतिशत आपका एवरेज रहता है 50-60% तो कॉम्पिटिशन बड़ा टिपिकल हो जाता है, या तो विक्ट्री बड़े लेस मार्जिन से होगी, कुछ हजार, 2-4, 6 हजार वोटों से हो जाती है। ये खैर यहाँ तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया या स्टेट लेवल पे देखा जाए तो हंग जो है गवर्नमेंट बनने की वहां पे संभावना होती है। मेरे ख्याल से 2 बजे तक हमें और वेट करना चाहिए। अगर 2 बजे तक ये प्रतिशत आपका लगभग जैसे 35-40 एक हेल्दी फिगर प्रतिशत आ गया तो इसका मतलब है कि पब्लिक बहुत उत्साहित है। देखिए, मैं खुद भी फूलपुर का, इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, सारा क्षेत्र मेरा घुमा हुआ है, रिश्तेदारियां हैं। मैं कुछ दिन पहले वहां के लोगों से बात कर रहा था तो ये क्लियर कट वहां पे था कि लोगों में वो उत्साह नहीं है जो लहर के टाइम पे या मेन इलेक्शन में होता है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे बाई इलेक्शन के जो डायनामिक्स होते हैं वो जैसे गांव के प्रधान का इलेक्शन होता है कि इंडिविजुअल आपने क्या किया है, इस चीज पे फोकस ज्यादा होता है। इंडिविजुअल कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट की रेपो क्या है, कैंडिडेट को उनकी पॉलिटिकल बॉन्डिंग, कैंडिडेट ने वहां के लोगों के बीच में अपनी रेपुटेशन कैसी डेवलप की है, ये सब चीजें हैं जिसके कारण ये इलेक्शन के रिजल्ट जो है टोटली डिफरेंट रहेंगे। ये मेरे एनालिसिस का जो लॉजिक है, लॉजिकल बैकग्राउंड है, वो ये है कि बाई इलेक्शंस और नॉर्मल इलेक्शंस के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की सोच अलग होती है। ठीक है मिश्रा जी, की एक बात से मैं सहमत हूँ कि संडे है और हो सकता है कि वो थोड़ा रिलैक्स मूड में हो और उसके बाद में मतदान प्रतिशत बढ़े, 5 बजे तक दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि इसमें औसत मतदान प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा,
60% से ऊपर कहीं नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। नहीं, अगर औसत होगा तो सर फिर सपा बसपा जीत जाएगी। इसलिए एक बात में, अगर औसत होगा तो फूलपुर में सपा बसपा जीत जाएगी, आपका जो अनुमान है। अगर औसत होगा हो भी सकता है, लेकिन फूलपुर पांडे जी देखिए मैं आपको बता दूं, आप मोडस ऑपरेंडी समझिए, बीजेपी का जो डीएनए है काम करने का तरीका, मैं तो ये बोलता हूं कि बीजेपी अगर दोनों सीटें भी हार जाएगी ना तो भी बीजेपी के ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर में और केंद्र में उनकी है। ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, डेफिनेटली जो विपक्ष होते हैं जो हार गए हैं उनके लिए तो अभी सरकार नहीं गिर रही। नहीं, नहीं 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 सर, कुछ नहीं होगा। आप वो देखिएगा इनकी तैयारी वर्सेस जो है दूसरों की तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ। इनका पोटेंशियल, इनकी मतलब ताकत, जिस हिसाब से ये चुनाव को पूरा स्ट्रेटेजाइज करते हैं। मिश्रा जी, एक शब्द में आपकी बात का जवाब दे दूं, यूपीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश में आज आपके बड़े चैनल पे कह के जा रहा हूँ, 80 सीट जीतेगा यूपीए का गठबंधन। अरे सब के नेतृत्व की भूमिका हमारी शुरू हो गई है, यूपीए सोनिया जी के नेतृत्व में हमारा विपक्ष सपने देख रहा है और बोहनी नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ पांडे जी, देखिए मेरी तरफ से तो आपको भी शुभकामनाएं, यूपीए एनडीए दोनों के गठबंधन को शुभकामनाएं है, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, आप स्ट्रेटजिक वे में एनालिसिस कीजिए। आप स्ट्रेटजिक वे में एनालिसिस कीजिए। हम यहाँ 22 सीट लोकसभा की जीते थे, आज तरीके की छोड़िए बात, जब जो जीत जाता है वही सिकंदर। आज बीजेपी जीती हुई है तो आपको काम करने का तरीका नजर आ रहा है। नहीं 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 सर, मैंने बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज किया है यूपीए के काम करने। नहीं नहीं पांडे जी देखिए, मैंने बीजेपी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया है और आज भी मैंने बोला है कि भाई फूलपुर में मुझे इनका डाउट लग रहा है। मैं बड़ा उस तरीके से बोल रहा हूँ कि भाई आखिर बीजेपी क्यों ज्यादातर इलेक्शन जीतती जा रही है, इस चीज को समझने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, आपने भी तो अच्छा सोच करके ही समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था ना, कांग्रेस का ईवीएम ट्रेडिंग नहीं, तमाम ट्रेडिंग उसके जीत का कारण है। समाजवादी पार्टी ने हरवाड़ के प्रोफेसर को बुलाया था, हरवाड़ के पॉलिटिकल कंसल्टेंट को हायर किया था। आपने सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ, समझने वाली चीज ये है कि ऐसा क्या ये खास कर रहे हैं जो जीत जा रहे हैं। आप लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जिम्मेदार हैं सर। जीतने वाली बीजेपी कहती है तो दो सीट की थी, आपने जीरो बना दिया कि यह बीजेपी नेतृत्व की सरकार। अरे वहां का जो लोकल फ्रंट सरकार बना रहा उसकी तो आप बात करते हैं सर। देखिए जीत के जो लोग, अभी आपने बोला, अभी आप लोगों ने बोला, मैं बीजेपी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी पार्टियों के लिए ये बोलना चाहता हूँ सर, अगर बीजेपी कुछ कर रही है तो आप लोगों ने भी पहले वो सारी चीजें की है। सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने भी सारे हथकंडे अपनाए हैं सर। आप ही ने बोला ना, आप भी नहीं, और अभी अभी अगर बीजेपी जीत रही है तो याद करिए। नहीं नहीं, एक मिनट पांडे जी, देखिए ऐसा है, आपने आपने कहा अभी कि आप लोग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पांडे 60 साल तो सर आपकी पार्टी ने भी राज किया है, लेकिन इसके बावजूद हमने सरकार नहीं बनाया, क्योंकि समीक्षा करने में क्या बुराई है, हमारे पक्ष में नहीं था। पांडे जी समीक्षा तो करना दीजिए सर। देखिए मैं बिना किसी मेरा किसी से जो है कोई साइकोलॉजिकल झुकाव नहीं है। पांडे जी समीक्षा तो करना दिया, चाहे बीजेपी हो चाहे तरीके सही हो या गलत हो, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ और गलत तरीकों का मैं फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे सारी पार्टियां हर तरीके जो उनको समझ में आते हैं अपनाते हैं, सोचने समझने वाली बात है। मैं खुद आप लोगों से पूछता हूँ सर, कि इतना सब कुछ करते हुए भी क्यों नहीं चुनाव आप लोग जीत पाते हैं। हम लार्जेस्ट पार्टी होके भी इस देश में सरकार नहीं बनाए हैं, और मिजोरम और गोवा में तो खरीद लिया गया सर। यही अगर अभी अगर हम बीजेपी के प्रत्याशी से पूछेंगे ना, बीजेपी की सरकार बन रही है तो उस वक्त क्यों नहीं बोला कांग्रेस ने, जब इन्होंने बनाया तो बीजेपी वालों ने भी तो 5 एग्जांपल दे दिए थे ना कि एक सीट से आप लोगों ने बीजेपी की गवर्नमेंट गिरा दी थी। चलिए संजय गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने भी तो गवर्नमेंट गिरा दी थी। ठीक है मिश्रा जी, तो ये सब हथकंडे हैं सर, आप लोग अपना। नहीं, और दूसरा आप पांडे जी, एक मिनट पांडे जी, आप समीक्षा तो करने दीजिए आपको जो हथकंडा। अरे भाई आ रहा हूँ, गलत समझ में। पांडे जी सुनिए, समीक्षा नैतिकता को भी तलाश। अरे आप देखिए ऐसा है कि हर फिर वही नैतिकता की बात करता हूँ, मैं नैतिकता की बात करता हूँ, कल भी इसी चीज पे हो रही थी। सब बहुत सारे मेरे आज जो मित्र बैठे हैं, कौन सी पार्टी बड़ी नैतिक है सर, आप मुझे बताइए। जब इलेक्शन आता है तो सारी नैतिकता किनारे,
आप मुझे ये बताइए आज की डेट में समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक सीट के लिए सर कर दिया, सरकार कर दिया है, दिखता है एक दूसरे को डंडा लेके समाजवादी पार्टी और ये लड़ाते थे आपकी पार्टी। मैं मेरे आपकी समाजवादी पार्टी के दीवारों पे लिखा था कि 27 साल यूपी में बेहाल चलिए ठीक है। देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है पांडे जी, समीक्षा तो करने दीजिए, नहीं अपनाए जाने चाहिए। अरे सर 60 साल आपकी गवर्नमेंट रही, समीक्षा तो करने दीजिए, उसमें थोड़ी कोई बुराई होनी चाहिए, हर आदमी अपने चश्मे से देखता है। उसको भी यह बात पता लगेगा कि हिंदुस्तान में अगर पहला IIM आया तो इलाहाबाद में खुला। सर इलाहाबाद में कौन सा IIM है? समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में की। सर इलाहाबाद में कौन सा IIM है? इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का नहीं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो नंबर एक पे इलाहाबाद में पूरे देश में। सर कौन सा है बताइए ना, नाम तो बताइए। मैनेजमेंट सर लखनऊ को हमने सुना था। नहीं नहीं देखिए नंबर वन पे जो है वो इंडिया का IIM इलाहाबाद आता है। रीजनल इंजीनियर सुनिए मोतीलाल नेहरू की तो नहीं अरे सर वो NNRIC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैनेजमेंट का कौन सा इंस्टीट्यूट है? सुनो बताइए, हर जगह बीच में कुत्ते चले जा रहे हो। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, विदेश से नहीं आया। तो बताइए मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, विदेश से नहीं आया। बताइए इलाहाबाद में कौन सा नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने दिया है? सुनिए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बताइए सर, MBA का कौन सा इंस्टीट्यूट नंबर वन है? रीजनल के रूप में जब दिया जा रहा है इलाहाबाद के राज्य, आपको इलाहाबाद का नहीं पता है कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में कांग्रेस ने दिया है जो इंडिया में टॉप 10 में आता है? आर्मी की जमीन दी गई ला फैकल्टी खोलने के लिए इलाहाबाद में। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद कौन है? आपने जो जानकारी शेयर की वो गलत थी। नहीं नहीं बात यह है कि गलत जानकारी सर, गलत जानकारी को तो कोई भी बोलेगा ना। इलाहाबाद में कोई टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। पांडे जी गलत जानकारी थी इसलिए बिल्कुल है मैनेजमेंट। आप असल में थोड़ा अपना शिक्षा का दायरा बढ़ाइए। एक मिनट पांडे सर, आपके समझ में आ जाएगी। नाम बताइए कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है जो इंडिया के टॉप 10 में आता है? इलाहाबाद में खुला है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मान्यता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन टॉप 10 में नहीं आता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ला फैकल्टी किसकी जमीन में खुली है? सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद बोला जाता है, मैं मानता हूँ। एके मिश्रा आप ही बताओ किसकी जमीन में खुला हुआ है? सर वो सब मैं मान रहा हूँ। किसकी जमीन? पांडे जी मैं तो ये बोलता हूँ कि कांग्रेस रही है तो इसका मतलब नहीं है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया है। कांग्रेस ने भी जबरदस्त विकास किया है जितना हो सकता था, सारी पार्टियों ने किया है। मेरा सवाल ये था कि इलाहाबाद में मैनेजमेंट इलाहाबाद की शायद नहीं है, आपने गलत बोल दिया है। जानकारी गलत आई इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ मैनेजमेंट। सर धन्य है सर, कौन सा इंस्टीट्यूट है नाम बताइए? 12 खुल रहे थे मैनेजमेंट। कौन सा टॉप 10 इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का इलाहाबाद में नाम बताइए? इंस्टीट्यूट उसमें पहला इलाहाबाद में खुला है। ठीक है सर चलिए कांग्रेस में चलिए, मैं मान लिया कि इंडिया का नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने इलाहाबाद में खोला है, मान लिया चलिए। आपको नमस्कार सर, अब हो गई सर आप देखिए गणमान्य लोग हैं, आपकी बात को नहीं मानेंगे। मेरे नॉलेज में तो इलाहाबाद में कोई टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है MBA का। मैं आपको बता देता हूँ इलाहाबाद में क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हिंदुस्तान में 12 खुले तो पहला इलाहाबाद में खुला। वो बात पहला इलाहाबाद सर वो मैं मान सकता हूँ, मेरा और मैनेजमेंट का दोनों इलाहाबाद में पहला खुला। सर मैं आपको बताऊँ कॉलेज जो इलाहाबाद सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता के बाद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की है, मैं इसको भी मानता हूँ। मुझको लग रहा है AK मिश्रा जी आप टीवी चैनलों में अभी जल्दी आना शुरू किया इसलिए आपको उतावलापन कुछ ज्यादा। अरे सर गलत बात को मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? सुन रहा था बात उतावलापन की नहीं है, लेकिन नहीं देखिए आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और नेता है, इसका मतलब नहीं है कि जो आप बोल देंगे मैं मान लूंगा। इलाहाबाद में सर कोई टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। आज अब मैं कह रहा हूं है, मैं कह रहा हूँ आज भी हिंदुस्तान के 12 एक साथ खुले जो पहला इलाहाबाद में खुला, मैं कह रहा हूँ। तो सर नाम पांडे जी नाम बताइए, पांडे जी नाम तो बताइए, हमारी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए।
अरे इस डिबेट के बाद एक के मिश्रा जी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं नहीं हमारे हमारे मिश्रा जी पांडे जी पांडे जी एक मिनट, हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, उनकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। सर कोई गलत चीज थोड़ी है कि जो हम छुप के आपसे पूछेंगे, बताइए इलाहाबाद में कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में टॉप 10 इंस्टीट्यूट में आता हो मैनेजमेंट की, बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं पूछ लूंगा सर आपसे। मेरा निवेदन सुन लीजिए जी, मिश्रा जी, हाँ। मिश्रा जी थोड़ा सा मेरा निवेदन सुन लीजिए। ये जितने भी आईआईटीज और एनआईटीज होते हैं उसमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती, मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा उसको उस दिशा में समझ लीजिए कि आईआईटी एनआईटी जो मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इलाहाबाद में, उसमें मैनेजमेंट की भी आंशिक रूप से पढ़ाई कराई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में 12 खुला। पांडे जी को भी आप अपने साथ में समाहित कीजिए, समायोजित कीजिए, मेरा ये निवेदन है। नहीं नहीं, ये मिश्रा जी गलत बोल रहे हैं। पांडे जी आप बैठिए, आप आगे बढ़ाइए। तिवारी जी सर प्लीज हाथ जोड़ के मेरा सुनिए। अरे यार सर एक मिनट, पांडे जी आप सुन लीजिए, नेता होने का मतलब नहीं है सारी चीजें आप सही बोलते हैं, मैं 50 मुद्दे जानता हूँ। मैनेजमेंट इज मिश्रा जी, यहाँ ये मुद्दा नहीं है, हम चुनाव के ऊपर डिबेट पर बैठे हैं। अभी आप दोनों डिबेट के बाद आपस में बात कीजिए, जानकारी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है एक मिनट, ठीक है ठीक है, नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम जानकारी दुरुस्त करेंगे। पांडे जी आप बात कीजिएगा, हम जानकारी दुरुस्त करेंगे, आप भी जानकारी दुरुस्त करिए। वैसे तो हम चाह ये रहे थे कि यहाँ बताते तो हमारे दर्शकों की जानकारी दुरुस्त। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है अच्छे जी, और मेरे पास वो है, मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ, मैंने सारा कुछ वो मेरे पास है कि किस नाम से है और उसका पहले नाम क्या था, फिर नाम चेंज किया गया, ये भी मुझे मैं बता दूंगा। ठीक है सर, सर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ठीक है, एक बात बीच में आ गई, लेकिन चुनाव की डिबेट हमारी चल रही थी, हम मतदान के ऊपर बात कर रहे थे, हम मतदान के ऊपर बात कर रहे हैं, हम वोट प्रतिशत की ऊपर बात कर रहे हैं, हार जीत की बात कर रहे हैं। समय समाप्ति की ओर है और आप में से बहुत मेहमान ऐसे हैं जिन्हें कहीं और भी निकलना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जितना भी कीमती समय हमें दिया इसके लिए। के पांडे जी कांग्रेस की ओर से, पीके तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा केसी जैन समाजवादी पार्टी लखनऊ, राजीव मिश्रा बीजेपी लखनऊ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ए के मिश्रा मेरे साथ अभी आगे चर्चा में बने रहेंगे, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।